साथियों, 4.5 साल करीब लोकसभा के चुनाव हो गए और 4.5 साल करीब विधानसभा चुनाव हो गए। इस कार्यकाल के दौरान में माननीय मुख्यमंत्री ने और देश के नेता माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने इस देश और प्रदेश के लिए जो अनेकों योजनाएं हमें दी हैं, हम सबका फर्ज बनता है कि आपके बीच तक उनको पहुंचाने का काम करें। उस सब में अगर मैं जिक्र करूं तो इस जिले के अंदर में करीब 2000 करोड़ की सड़कें आज आप सबको समर्पित हैं। अगर मैं जिक्र करूं तो लोकसभा क्षेत्र 2 जिले पड़ते हैं। लोकसभा का 1 जिला जहां से टोंक को मैं गिनता हूं तो NH8 हाईवे जो अजमेर को जाता है, वहां से पहला गांव मेरा पालड़ी पड़ता है, वहां शुरू होता है। आज मैं अगर आप सबके सामने कहूं कि पालड़ी से लगा के छाण तक का 350 करोड़ रुपए का रोड बना के आप सबको समर्पित किया है, अगर मैं टोंक पहुंच जाता हूं और मुझे सवाई माधोपुर पहुंचना है तो 400 करोड़ रुपए का काम करके और वो हाईवे आपके समर्पित किया है, अगर मैं उनियारा से जाके गुलाबी वहां तक जाऊं तो आसीन के मंदिर तक अगर मैं जाने को पड़े तो 550 करोड़ रुपए की सड़क बना के वो आपको समर्पित किए, अगर मैं कोथुन से लेकर लाल चोट से लेकर हिंडौन तक जाऊं और लाल चोट से लेकर दौसा तक जाऊं और लाल चोट से लेकर सवाई माधोपुर तक जाऊं 850 करोड़ रुपए की सड़क बना के आप सबके समर्पित किए। जो साथियों ने अपना खेल करना काम का जिक्र जरूर करूंगा क्योंकि मेरी बहुत भूल पूछे में रहा है। आज से पहले भी सांसद चुने गए थे, ये योजना आज की नहीं है, ये सेंटर की योजना है और जब से सेंटर बना तब से योजना लागू है, लेकिन कभी किसी सांसद ने हिम्मत नहीं करी जो काम गरीब कर देते दे। मैं आज कहता हूँ कोई पंचायत ऐसी नहीं बची जिस पंचायत में कम से कम 100-150 आदमियों को अपना खेल करना काम का काम नहीं मिला हो। और मैं कहता हूँ 70 करोड़ रुपए इस जिले के अंदर में 70 करोड़ रुपए आपसे पहले बट चुका, अपने पंचायत में कोई ना तो होगा, अपने पंचायत में होगा ना, है मिला ना, आपसे पहले कभी संभव हुआ क्या? कभी नहीं हुआ, किसी ने जिक्र भी नहीं किया। जी सर, मैं आपको ये जिक्र करूं कि आज वो आदमी इस बात को सोचता है कि मैं सेवक के रूप में काम करना चाहता हूँ और उसका नतीजा ये है कि आखिरी छोर के जो आदमी बैठा है उसके लिए उस आदमी जाने को योजनाएं दी है। मैं गांव के अंदर में जिक्र करूं कि आज से पहले सांसद होने के नाते जिस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री की प्रदेश के अंदर में राजस्थान गौरव यात्रा निकल रही है उसी के तहत में टोंक में गौरव यात्रा ड्यू है। मैं समझता हूँ शायद 27 सितंबर को हमारी आए मुख्यमंत्री जी आएंगी, उसी के तहत में आज हम सारे जिले के संख्यांग लोग और हम सब उसी के तहत में हम सारे गांव-गांव ढाणी-ढाणी सब जगह जा रहे हैं ताकि यात्रा निकाल के सबको संदेश दें कि उस दिन आप सब जहाँ जहाँ भी स्वागत होगा उस स्वागत में आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और जो आपकी सभा होगी उस सभा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचें, इसलिए हम गांव-गांव ढाणी-ढाणी सब जगह जाकर उन बात का न्योता दे रहे हैं। यात्रा का शुभारंभ कहाँ से किया, कब तक चलेगी? मैं समझता हूँ कि निवाई का पहला गांव मेरा जिस हिसाब से जयपुर से आते हैं मुंडे गांव पहला पड़ता है और मुंडे गांव से हमने शुरुआत की है ताकि पहले निवाई विधानसभा को क्षेत्र को लेते हुए ऐसे चारों विधानसभाओं में जाएंगे और उस हिसाब की शुरुआत जिस हिसाब से गाँव में उत्साह जोश दिखाई दे रहा है और जिस बात की योजनाएं हमने दी हैं जो माननीय मुख्यमंत्री ने आम गरीब आदमी को टच किया, आम गरीब आदमी के लिए योजनाएं दी हैं उसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री की बात सब सुनने के लिए उत्साहित हैं आदमी हैं और सभी लोग उसमें पहुंचेंगे। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री ने एक गरीब आदमी के लिए 4.5 साल के अंदर में जितना दिया है आज से पहले कभी किसी मुख्यमंत्री ने नहीं दिया था, इसीलिए तहत माननीय मुख्यमंत्री भी अपने आप लाभार्थियों से कई बार बात कर चुकी हैं कि एक गांव में के अंदर में मैं समझता हूं एक घर भी ऐसा कोई नहीं बचा होगा जिनमें कोई ना कोई सरकारी योजना ना मिली हो, तो सबके लिए जिस हिसाब का योजना मिली है वो सभी लोग इस बात को चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के नज़दीक हम जाएं, उनमें उनका स्वागत करेंगे। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय सुधीर सिंह जी जोनाप्रिया का ग्राम मंदिर की धरती पर स्वागत करते हैं। साथ में मैं जिलाध्यक्ष जी का भी स्वागत कराना चाहूंगा, हमारे जिलाध्यक्ष जी गणेश जी माहौल भगवान मंगलम विष्णु मंगलम मंगलम चैतन्य सारे दिन भैंसों पे बिचारे चरा रही हूँ, लेकिन प्रदेश की मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा काम आपके लिए किया है कि सबसे बड़ी बात है भावी में इनके लिए न्यू दिल्ली की यार आज बूढ़े हो गए हैं तो वो सक्सेस आपके सांसद साहब के स्वागत के लिए पधारे, उनके बाद में
साहब करेंगे।